एवरीवन गुड मॉर्निंग, दिस इज सैयद गुफरान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज पहला ऑर्डर लग गया, देखो लेके जा रहा हूँ, कॉफी का ऑर्डर है तो पहले ही से डिलीवर कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते। कर दिया यार पहला ऑर्डर डिलीवर, और इस बिल्डिंग में एक ही प्रॉब्लम है भाई, जब भी आता हूँ ना नेट नहीं चलता यार। अब उतनी दूर जाऊंगा फिर जाके डिलीवर्ड मार्क करूंगा। 2 घंटा हो गया वो वाला ऑर्डर मारे, अब जाके एक ऑर्डर आया है। 2 घंटे में एक ऑर्डर हुआ, ये अभी एक ऑर्डर फिर से बजा, पर्सियन दरबार का ऑर्डर है। भाई जुमा का भी टाइम हो गया तो ये ऑर्डर देके फटाफट से चले जाता हूँ जुमा पढ़ने। कल मैं 3 ऑर्डर रिजेक्ट किया था, 18 ऑर्डर वाला जो टारगेट था वो पूरा ही नहीं हुआ। 1000 मिलना चाहिए था भाई, 400 मिला, बहुत दुख हुआ। खैर अभी जा रहा हूँ एक ऑर्डर लेके, डिलीवर कर दिया। 56 रुपये का ऑर्डर था, वो भी गारंटीड है, देखो वापसी का ऑर्डर मिलता है कि नहीं। लिफ्ट में ही भाई जाने का भी ऑर्डर बच गया है, लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा है कितने किलोमीटर का है या कहाँ का है, क्योंकि नेट चल नहीं रहा है। इंस्टामार्ट का ऑर्डर था भाई, पिकअप कर लिया हूँ, बस लोकेशन पे भी पहुँच गया हूँ, यहीं पे डिलीवर करने का है। इंस्टामार्ट का ऑर्डर भाई नज़दीक में ही रहता है तो ये नज़दीक में ही डिलीवर करना था, मुझे लगा जोन का ऑर्डर देगा, जोन से बाहर ही हूँ अभी भी। देखो अब अगर फिर से ऑर्डर भेजेगा तो ठीक है, वैसे अभी जा रहा हूँ इसके बाद जुमा पढ़ने। डिलीवर कर दिया, इसके मिले 20 रुपये भाई। इंस्टामार्ट के ऑर्डर में जहाँ तक 20 रुपये मिलते उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है, तो ठीक है ना, ऑर्डर काउंट होना चाहिए, पैसा 20 मिले 40 मिले क्या करने का। टाइम हो गया 2:21, जुमा की नमाज़ पढ़ के भी आ गया, और जब से राउंड लगा रहा हूँ कि ऑर्डर बजे बट ऑर्डर नहीं बज रहा है, सो देखते कब तक बजता है। अभी खाना भी खाने का है भाई, यहाँ पे खा रहा हूँ पूरी भाजी, और ऑर्डर भी लग गया है तो इसे खा के फिर चलता हूँ ऑर्डर पिकअप करने। जो ऑर्डर आया था यार वो भी कैंसिल हो गया, देखो पूरी भाजी खा रहा था, ऑर्डर आया कंफर्म किया थोड़ी देर, मतलब मेरी वजह से कैंसिल नहीं हुआ है, वो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया यार, अगर पिकअप कर लेता तब कैंसिल करता तो फ़ायदा भी रहता। क्या बोले भाई, आज का दिन लगता है ख़राबी है, अभी तक का भाई 3 ही ऑर्डर हुआ है, देखो 4 घंटा हो गया और 4 ऑर्डर, एक तो कैंसिल है तो ये काउंट नहीं हुआ है, देखो 4 घंटे में 3 ऑर्डर भाई। भाई ऑर्डर देखता हूँ कहाँ का है, पर्सियन दरबार। भाई साहब बहुत टाइम पे ऑर्डर बज रहा है, ऑर्डर कर लिया हूँ पिकअप, और लोकेशन पे भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। भाई बार बार हीरा नंदानी भेजता है, तो हीरा नंदानी ना जोन से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, और वापस का ऑर्डर तो बजता भी नहीं है, अब मुझे वापस जोन में ही जाना पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा लगभग ये बाइक से, अब चलता हूँ, आधा घंटा तो मेरा फिर वेस्ट गया। अभी तक का 4 ऑर्डर हुआ है, अभी एक पार्सल लाया था कांजूर मार्ग, बहुत ही ज़्यादा अंदर लेके चला गया था भाई, गल्ली जाके ना इतना अंदर चला गया था भाई, बंदे ने देखा जो कस्टमर जिसका मतलब पार्सल लाया था, वो बोला भाई तू तो हायाबूसा से आ गया, इतना दूर आया ना, उसने 20 रुपये टिप भी दिया। वापस जाने का भी ऑर्डर लग गया है तो वो भी पिकअप करने जा रहा हूँ, अभी पहले तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंदर आ गया है। अभी तो रोड यहाँ पे सही है ना, आगे तो रोड भी ख़राब है। सुबह के 10-11 बजे आया था, अभी शाम के भाई 5 बज गए, और अभी तक का मालूम है 5 ही ऑर्डर निकला है, आज का दिन थोड़ा बेकार है। कांजूरमार्ग की ना सबसे प्रीमियम बिल्डिंग आई थिंक यही है, क्योंकि कांजूरमार्ग में और मैं देखा ही नहीं यार, इसमें मैं गया हूँ बहुत बार, वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। अर्ली ऑर्डर पिकअप जो वापस ले जाने के लिए बजा था, आज 32 ऑर्डर पे 2800 मिल रहा है, तो आज ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, अभी तक का मेरा 5 ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर कर दिया डिलीवर्ड, इसके मिले 66 रुपीज़ भाई, सर्ज मिल रहा है आज के दिन, और देखो वो भी गायब हो गया, अभी तक का मिल रहा था नहीं यार, लेकिन जोन में जाऊंगा तब शायद मिलेगा। आज का ऑर्डर देख रहे हो 6.5 घंटे में 7 ऑर्डर, और ये देखो भाई इतने प्यारे प्यारे बिल्ली हैं, इसके बच्चे हैं, कुछ नहीं करूँगा टेंशन मत लो। तो चलता हूँ भाई अभी फिर से जोन में, अभी भी आउट ऑफ जोन ही हूँ, जाता हूँ वहीं इंस्टामार्ट के पास बैठता हूँ, देखो बसता है कि नहीं, और उसका बैटरी भी स्वाइप करवाना पड़ेगा। 8 घंटे में 9 ऑर्डर, अभी पर्सियन दरबार के पास बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ ऑर्डर का, देखते कब तक बसता है। आया इतनी टाइम बैठने के बाद एक ऑर्डर पास में ही देने का है, पर्सियन दरबार से ही आया है, रेडी भी है तो चलता हूँ अंदर पिकअप करने। अमरुद साथ में लेके जाता हूँ, नहीं तो कोई लेके भाग जाएगा यार, मैं बहुत अमरुद खाता हूँ आजकल। कर लिया पिकअप, बस थोड़ी दूर पे डिलीवर करना है, 20 रुपये का ऑर्डर था, 25 रुपये एक्स्ट्रा मिले, 45 रुपये का ऑर्डर बना। 26 जनवरी है इसलिए पैसे थोड़ा ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब बोनस मिल रहा है एक्स्ट्रा पैसा, और अभी मौसम थोड़ा ठंड हो चुका है, शाम के टाइम भाई ठंडी लगने लगती है,
तो ये जो रुमाल है अभी ये कान में बांधने वाला हूँ। लिफ्ट देखो भाई, ये साइड कितना अच्छा बनाए है, बाकी तो इसे नॉर्मली है। और आज तो यार तबीयत भी थोड़ा नाजुक सी लग रही है, सुबह से यार छींके आ रही है और फिर अभी बॉडी भी थोड़ा गर्म है, अब दवा लेना पड़ेगा नहीं तो भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलता हूँ डिलीवर करने। फाइनली 10 ऑर्डर हो गया मेरा, 8.5 घंटे में 10 ऑर्डर हुआ। गाड़ी देखो चालू करके छोड़ के गया था, अमरुद भी भाई यहीं पे छोड़ के गया था। अच्छा हुआ कि कोई लेके नहीं गया, तो अभी 2 अमरुद बचा है वो भी भाई टपका दूंगा। अभी अमरुद खाने का तरीका थोड़ा तेज हुआ। वापस से बचा परसियन दरबार का ऑर्डर और ये भी रेडी है भाई। यही है परसियन दरबार, देख लो। अभी एक KFC का ऑर्डर लाया था तो इसके मिले 67 रुपीस और 20 रुपये टिप मिले थे भाई। वाओ, ये मेरा हो चुका 12 ऑर्डर कंप्लीट 10 घंटे में। एक ऑर्डर लाया था COD का था, 204 रुपये का ऑर्डर था, तो डिलीवर कर दिया हूँ, कैश दे दिया कस्टमर ने। ऑर्डर के मिले मुझे 56 रुपये। ये ऑर्डर के साथ मेरा हो चुका है 14 ऑर्डर कंप्लीट। अभी 4 ऑर्डर और करने हैं, 10 बज गया यार। और अभी जा रहा हूँ दवा लेने, नहीं तो बाद में बढ़ जाएगा यार, तबीयत खराब ही है। अभी जहाँ पे पार्सल आया था ये क्लिनिक था, तो वहाँ से दवा ले लिया, 80 रुपये की दवा दिए, 3 टाइम खाने का है भाई। अभी ले लिया ठीक है, नहीं तो बाद में ना जब बुखार ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं सोचता हूँ कितना भी पैसा जाए बस जल्दी से ठीक हो जाना है। 11 किलोमीटर का ऑर्डर, 22 मिनट लगेगा जाने में, और भी ज़्यादा लग सकता है। ऑर्डर पिकअप कर लिया हूँ बहुत ही जल्दी, तो अभी लेके जा रहा हूँ भाई। कल रिजेक्ट किया था, कल मुझे टारगेट का पैसा ही नहीं मिला था, आज एक भी ऑर्डर नहीं रिजेक्ट किया। कर दिया भाई डिलीवर, 10:40 हो गया, उसके 98 रुपये मिले थे और वापस जाने का भी ऑर्डर लग गया है 53 रुपये का, कन्फर्म कर देता हूँ। ओ भाई फूड भी रेडी है, देखो 98 रुपये मिले थे इसके। मैकडोनल्ड से पिकअप करना है और कितना ऑर्डर हुआ 15 भाई, इस पे एक ही ऑर्डर मिला यार, मुझे लगा था 2 ऑर्डर मिलेगा, इतनी दूर आए 11 किलोमीटर आए भाई, एक ही ऑर्डर मिला यार। भाई क्या हो रहा है भाई, क्या पता ये वाला ऑर्डर डिलीवर करूँ तो 2 ऑर्डर मिल जाए, देखते क्या सीन रहता है भाई। गाड़ी भी बंद कर दिया था भाई, जब आउट एरिया में ज़्यादा रहता हूँ ना तो गाड़ी बंद कर देता हूँ, नहीं तो कोई भी लेके भाग जाए कहीं। और गाड़ी भी बंद हो रही है यार, मैं अभी चला के दिखाता हूँ, देखना रास्ते में कितनी बार बंद हुई, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिले पहुँचा। बाइक में एकदम जेन्युइन तरीके से देखो बंद बंद ना, अभी चालू हो जाएगी, टेंशन मत लो। देखो चालू, कुछ कर नहीं रहा हूँ भाई, एक हाथ में मोबाइल लिया, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे हाथ से चालू किया मोबाइल से। अब इसकी हरकतें बस देखते रहो, अभी टायर लॉक होगा फिर बंद होगा, कुछ भी मतलब होता ही रहता है इसमें टायर लॉक। टायर लॉक था, अनलॉक हो गया, अब चलने लगी। मैं लोकेशन सेट कर लेता हूँ यार मैकडोनल्ड कहाँ पे है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है आउट ऑफ जोन वाला मैकडोनल्ड कहाँ है। और बाइक तो दिखाता हूँ बाद में, और इसकी हरकतें कि कैसे कैसे बंद चालू होती है। और यहाँ का ये फ्लाईओवर दिखाता हूँ भाई, इतना ऊँचा बनाया ना ये फ्लाईओवर, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊँचा बना दिए भाई। अरे यार शिट भाई, चल मुन्ना देखो बंद, टेंशन मत लो भी चालू हो जाएगी। क्या है भाई क्या है, अगर यही हरकतें रही ना तो एक ऑर्डर भाई एक घंटे में कैसे कैसे झेल लेता हूँ, क्या करेंगे। एक ही देखो बंद, मतलब टायर लॉक हो गया, देखो टायर अनलॉक, टायर लॉक अनलॉक बंद चालू, यही सब सीन होता है इसमें। ऐसे ही हरकतें रही ना तो एक ऑर्डर एक घंटे में जाएगा। पहले मैं भाई लगा लेता हूँ लोकेशन, नहीं तो पता चले कि देखो बंद हो रही है चालू हो रही है, तो इसका भाई छोड़ दो, ये बंद चालू होती रहेगी। पहले लोकेशन लगा लेता हूँ, देखता हूँ भाई कहाँ पे है ये मैकडोनल्ड, और ये रेडी भी है यार। ओ तेरी तो, गलत तो नहीं कर दिया मैं, नहीं सही है भाई, सही जा रहा हूँ, अभी आगे से लेफ्ट मारूंगा बस, ठीक है ना। लेकिन लोकेशन लगा देता हूँ ताकि लेफ्ट राइट मालूम पड़े, नहीं तो पता चले आगे चला गया, बार बार क्या ही मोबाइल निकालूँ। सही है, बस मुझे सिर्फ लेफ्ट ही लेफ्ट मारने हैं। ओके, जब दवा लिया ना तो डॉक्टर बोला ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाना पीना, और अभी मुझे खुजली हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि थम्स अप पीऊँ,
बट थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा। कैसी तो भाई फुल रावस जगह है, बस जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, बस वो डन हो जाए एक बार, फिर देखना क्या दिखेगा पूरा मुंबई, पूरे महाराष्ट्र भाई। लेकिन देखो कंस्ट्रक्शन का काम कब डन होगा, अभी यहाँ पे देखो बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, जब ये डन हो जाएगा तो क्या लगेगा भाई, मतलब इमेजिन करो क्या ही लगेगा। और सच में ये बुलेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखो भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन है ये, और ये आई थिंक मेट्रो का ही नहीं तो फ्लाईओवर बनेगा, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये फ्लाईओवर ही रहेगा, देख लेता हूँ ये भी। हाँ भाई कुछ भी हो सकता है भाई, आई डोंट नो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में भाई कुछ भी कर सकते हैं लोग। बाकी बीच बीकेसी में जाओ ना, उधर बीच में तो क्या मतलब मज़ा आ जाता है यार। भाई अभी मैं अपने लोकेशन पे लेफ्ट मार के सीधा जाऊंगा, फिर पहुंच जाऊंगा। गाड़ी देखो कैसे भगा रहे भाई, पल्सर जो 220 है ना भाई, उसका एक्सीडेंट बहुत होता है यार, कोई पल्सर भगाता है मुझे बहुत डर लगता है यार। कर दिया भाई 17 ऑर्डर डिलीवर्ड और 18वां ऑर्डर भी लग गया है, पंजाब डिपोर्ट से पिकअप करना है और 4 किलोमीटर की रेंज है टोटल भाई। 18 ऑर्डर हो गया डन, देखो 1075 रुपये का काम हो चुका है, और आज का भाई जो MG था ना वो बहुत ही ज़्यादा था यार, 2800 का था, अगर 32 ऑर्डर मारता ना तो 2800 रुपया मिलता, और 24 ऑर्डर मारूंगा तो 1650 रुपया मिलेगा। लेकिन भाई 12 बज चुका है और 6 ऑर्डर करने में 3-4 बज जाएगा, तो फिर मतलब नहीं है करके, तबीयत भी नहीं सही है, दवा लिया हूँ, अभी जा रहा हूँ घर पे, जाता हूँ भाई खाना खा के दवा खाता हूँ फिर सो जाता हूँ, वीडियो सुबह में एडिट करूँगा। सो यही सब सीन था यार इस ब्लॉग का, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर यार नया सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।